हाँ वो पीछे लग जाएगी तो मजा आएगा एकदम अलग ही है माय गॉड। ये तो इतना इसके छोटे बच्चे थे छोटे छोटे इतने सारे स्टॉल है यहाँ पे। ये देखिए हेलो गाइस, ये देखिए मेरे पीछे रॉयल मेला वडोदरा सिटी में आ गया है। तो ये जो ग्राउंड है ना वो नवलखी ग्राउंड है। तो जस्ट अभी ही मतलब एक वीक या दो वीक हुआ होगा तो यहाँ पे मेला ओपन हुआ है। हमको जब पता चला तो रिसेंटली हम लोगों ने ये वाला विजिट किया है। अभी ये जो मेला है ना, इस मेले की सबसे मेन अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पे है ना बहुत ही बड़ा अंडर वाटर एक्वेरियम है, बहुत ही बड़ा। तो स्पेशली हम लोग वो वाला एक्वेरियम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ मेरी बच्ची भी है और मेरी वाइफ भी आई है। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं ये वाला रॉयल मेला। सो गाइस, ये देखिए टिकट रॉयल फन फेयर का। तो ये सामने रही टिकट विंडो और वहाँ से मैंने 100 रुपये की एक टिकट ली। हम लोग तीन है तो 300 रुपया हुआ। तो मतलब एक टिकट 100 रुपीज़ की है। और जो छोटे बच्चे हैं ना वो 3 साल के बच्चे की टिकट कम है, वो मैंने पूछा नहीं है। लेकिन 3 साल के बच्चे हो गया ना तो उनके लिए टिकट अलग से है और उससे बड़े लोगों की टिकट 100 रुपये की है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से एंट्री है मेले की एंट्री। तो ये देखिए मेले की एंट्री कैसी बनाई गई है, बाप रे क्या मस्त है। और ये मेरी बच्ची देखिए कैसे कूद रही है तो यहाँ पे सारी वॉल के ऊपर फिश के पोस्टर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन जो अट्रैक्शन है ना वो एक्वेरियम का अट्रैक्शन मेन अट्रैक्शन है। तो इसी वजह से पूरे पोस्टर के ऊपर फिश के ही पोस्टर है। देखिए ओ वाओ, ये देखो कितनी बड़ी फिश शार्क, बाप रे तो मजा आएगा, आना आप लोग मेले में। ये देखिए, तो पहली बार इतनी बड़ी एंट्री देखी हम लोगों ने। बाकी कोई भी मेले में जाते हैं ना तो मतलब अंदर एंटर होते ही घुस जाते हैं, लेकिन ये वाली इतनी एंट्री इतनी बड़ी है ना कि हम लोग वहाँ पे आए देखो अभी भी अंदर जा रहे हैं, इतनी बड़ी एंट्री बनाई है। तो अभी यहाँ से इसके अंदर जाएंगे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। वो ये देखिए पूरा ब्लू एकदम अलग ही है माय गॉड, ये क्या है वाओ। तो ये एक्वेरियम का है। ये देखिए ऑस्कर फिश, वाओ कितनी मस्त दिख रही है। ये रहा पूरा एक्वेरियम, वाओ बबल हो रहे। बच्ची को मजा आ गया, कैसा लगा एंट्री? मस्त है नहीं? इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो पूरी टीम है ना फन फेयर की वो एक्वेरियम के बेस पर है। ये देखिए वाह, ये देखिए कितनी मस्त है। ये देखिए शकर फिश, तो ये कैसी नील खा रही है देखो, चिपक चिपक। वाओ एल्बिनो शार्क फिश, देखिए यहाँ पे कितनी सारी एल्बिनो शार्क फिश है। वाह, देखिए ब्लैक शार्क फिश ओरिजिनल वाली, वाह कितनी आराम से तैर रही है। और ये कूलर रखेगा इसके अंदर से ताकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं पास हो, इसलिए वो हम लोग वहाँ से एंट्री मारी थी यहाँ तक आए। अभी यहाँ से देखो अंदर जाने का रास्ता, ओ माय गॉड कितना बड़ा देखो। और ये चिकलेट फिश कितनी सारी है। ये देखिए रेडियम कलर के फिश, वाओ कितनी मस्त दिख रही है देखो। ये देखिए यार, अभी तक आप ये वाले मेले में नहीं आ रहे तो यार आपने कोई भी मेले में मस्त रंग बिरंगी मछलियाँ है। राइड के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे देखने के चीज। और ये देखिए ग्रीन कलर की टाइगर फिश, छोटी छोटी बाफिश ग्रीन कलर की, कितनी मस्त दिख रही है यार।
यहाँ पे पैरोट फिश और टाइगर बार फिश दोनों साथ में रखी गई है। ये देखे पैरोट फिश के बच्चे क्या बेटा। ओके ओके, गप्पी फिश भी है, गप्पी है, प्लेंटी फिश है, बहुत सारी फिश का यहाँ पे ग्रुप है से वसूल हो गए भले के टिकट। और ये देखे वापस एक गौरमी फिश आई, सबसे बड़ी जायंट फिश। वाह ये देखे कैसे खा रही है। हेलो, हम लोग आज आपको देखने के लिए आए यहाँ पे। नीति बेटा कैसी लगी ये वाली फिश, देखो कितनी बड़ी है, तुम्हारे सिर जितनी बड़ी है, तुम्हारी सर जितनी। वो कैटफिश, रेड टेल कैटफिश देखो। वाह कितनी बड़ी रेड टेल कैटफिश देखो, ये 5 से 6 फीट बड़ी होती है। वाह ये देखो अपने मुंह बड़ा कर रही है, खुल रही है। हेलो, ले मोबाइल खा ले, निधि का मोबाइल खा ले। तो मज़ा आ गया, ये वाली जो यहाँ का इस मेले के अंदर जो फिश का कलेक्शन है ना, गजब का फिश का कलेक्शन है, आज तक का मैंने ऐसा मेला नहीं देखा। तो आपको आना है तो यहाँ पे जरूर आना। ये देखिए स्नैक फिश, आई थिंक इसका नाम स्नैक फिश ही है, पुली बॉस फिश। तो पूरा हैबिटेट के बारे में लिखा है, फिश के बारे में लिखा है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी उसके ऊपर ही। और ये देखिए बाप रे कितनी बड़ी फिश है, अभी देखो मैं यहाँ पे आ गया। वहाँ से हम लोग आए थे, एक रो पहले आई थी, ये दूसरी रो और अब ये तीसरी रो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी सी टनल है, चलिए अभी अंदर जाए। बड़ी टनल देखो यार, ऐसे तो मेरी लाइफ में मैंने कभी भी नहीं देखा, वो भी वडोदरा सिटी में। वो देखिए मेरी वाइफ कैसे एंजॉय कर रही है एक्वेरियम को, और बच्ची ये मेरे पीछे। हाँ बोलो बेटा। एक बड़ी फिश ये रही, देखो कैसे तैर रही है हमारे आसपास। ओहो दूसरी गरम फिश। और ये देखिए कैसा लगा एक्वेरियम, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। कितना बड़ा एक्वेरियम है, नहीं फाइनली गाइज हम लोग मेले के अंदर आ गए। अंदर आते आते हमें लगभग 15-20 मिनट हो गए अंदर आते आते। ये देखो जो हम लोगों ने बाहर से फिश देखी थी ना, अंदर से ऐसे दिखती है। और यहाँ से ये सब मतलब कपड़े के स्टॉल, टॉयस के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल अंदर है। हम लोग वहाँ से निकल के आए, अभी जा रहे इस तरफ। क्या फिश है, फिश अभी हम 2 दिन के बाद वापस आएंगे, बस आते रहेंगे जब तक मेला होगा ना तब तक आएंगे। ये देखिए कपड़े की स्टॉल, ज्वेलरी की स्टॉल, और यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति है। चलिए एक बार मैं आपको गणपति बापा का दर्शन करवाता हूँ। चलिए गणपति बापा, मेरी वाइफ वहाँ पे है, ज्वेलरी देख रही है, उसको तो बस वही खजाना दिखता है। क्या मम्मी लेगी तो तुमको भी चाहिए। अच्छा तो
फाइनली गाइस ए वाली रोड से निकल के हम लोग जब आ गया है ना, तो अब ये वाली राइड्स देखी तो आप इमेजिन करो कि ये वाला मेला कितना बड़ा होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें मिलती है, देखो। आई थिंक 11 बजे के आसपास ये मेला बंद हो जाता है और यहाँ पे देखो आप गेम खेल सकते हो। उसके आगे बॉल वाली गेम थी, ये वाली देखिए रिंग वाली गेम, रिंग फेंको और कोई भी सामने से कोई भी चीज़ जीत के जाओ और यहाँ पे आपको बॉल फेंक के नंबर बनाना है, ये देखिए। तो पहले छोटे बच्चों के लिए राइड्स शुरू होती है, छोटे बच्चों के लिए राइड्स देखो, यहाँ पे जंपिंग है, बीच में पॉपकॉर्न वाले है, यहाँ पे ऑरेंज जूस वाले, ये देखिए शुरू हो गया। सो गाइस ये देखिए फाइनली ये मेन मेले की जगह आ गई है। यहाँ पर है ड्रैगन राइड, ये अलग कपड़े का भी सामने की और चकडोल जायंट व्हील यानी वो रहा झूला, सबसे बड़ा झूला टोरा टोरा राइड। हाँ यस भाई, ये टोरा टोरा राइड। इतना बड़ा झूला है, ओह माय गॉड, यहाँ पे तो इतनी सारी राइड कलेक्शन है ना, बहुत ही मजा आएगा आपको अगर आप ये वाला मेला विजिट करोगे तो। ये वाला मेले को किसी को पता नहीं चला होगा इसलिए कोई आया नहीं होगा, जैसे जैसे मेले के बारे में सबको पता चलेगा ना वैसे वैसे बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आएंगी देखना। तो अगर आपको बहुत सारी भीड़ नहीं चाहिए, आपको आराम से मेले में घूमना है तो अभी तक आ जाना, नहीं तो एक बार सबको पता चल गया ना तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आएंगी और कोई भी राइड में आपका नंबर इजीली नहीं लगेगा, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। तो क्या लिया तुमने, क्यों लिया? मैंने मुझे पता ना क्या लेना है तुमको, मोबाइल मुकवाना, इतना छोटा पास लिया। ये देखिए गाइस, मेले में आके हम लोगों ने कुछ खाया तो नहीं है लेकिन ये सेडी का जूस हम पी रहे हैं अभी। बच्ची को खाना था मंचूरियन ड्राई लेकिन यार मेरे पेट में तो जगह नहीं है।